माही तुम्हारे बारे में नहीं जानती मैं भाई, बताएं क्या बताऊं, अभी मतलब होने वाली सास का बताऊं कब आई, कैसे आई, कितने बहन भाई हैं। I would call it a beautiful coincidence. यूनिवर्सिटी में थी, पीछे टैलेंट एजेंसी थी, एक दोस्त के साथ वहां गई, वहां से कमर्शियल किया, ड्रामे की कॉल आ गई, जाके ऑडिशन दिया, एक हफ्ते में ड्रामे के सेट के ऊपर हूँ, तो वो सब ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। और मुश्किल नहीं था, बट एक बीच मैंने काम करना छोड़ दिया था, अच्छा। दो साल थोड़ा गैप ले लिया था, नाउ आई एम बैक एंड देन सिंधी हूँ, छह बहन भाई हैं, बात याद आई, कल मैं ना वो जो बच्चे नहीं है अहमद शाह, उमर और अबू बकर, नहीं तीन बच्चे आ गए तो उनको लेके ना मैं खाने पे गई, तो ना यासिर ने उनसे पूछा, उमर ने छोटा वाला क्यूट पाया, उससे पूछा बड़े होके क्या बनोगे, तो पता है उसे क्या जवाब दिया, सिंधी। मुझे उमर ने इम्प्रेस किया और ज्यादा। अच्छा तो ये कहानी, तो अभी आप बहू नहीं है एक्चुअल जिंदगी में? बिल्कुल भी बहू नहीं हूँ। मेरी अम्मा बन जाए, वो चाहती है मैं आज शाम को बन जाऊँ। वो चाहती है शाम को ही तुम्हारा निकाह पढ़वा लूँ, जाओ बस। तो अभी नहीं, अभी नहीं, और तंग मत किया करो अम्मा को। नहीं नहीं, मैं नहीं तंग की, सबसे मासूम बेटी हूँ आपको बात का। अच्छा आप देखो, लेकिन कुछ भी है जो बहू नहीं भी है यहाँ पे, उसको अपनी अम्मा को देख के तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंसेस हो ही गए होंगे। मुझे मुझे लगता है निगाह, मुझे काम डाउन मेरी मम्मा ने रखा है, मैं थोड़ा सा ना हाइपर एक्टिव हूँ, मैं अब कम बोलती हूँ, कम गो हूँ, इस वजह से मम्मा मुझे ना बताती रहती है कि नहीं बेटा, और बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग भी देती है कि कभी शादी होती है आप ससुराल जाओगी, वहाँ सास आके आपके गेट पे खड़ी होगी, इस तरह करोगी क्या, मैं सो रही हूँ और बदतमीजी ये वो, तो मम्मा ना बहुत उस चीज की ना बैठे बैठे इतनी ट्रेनिंग देती है निदा, मैं बोलती हूँ मैं बन ही जाऊँ बस, अब बस बस हो गई। ट्रेनिंग भी नहीं अच्छी होती, पहले से ही लोग परेशान हो जाते हैं ये सोच के। अच्छा मम्मी ने तो ये कहा था, ये तो नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ट्रेनिंग होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिली ट्रेनिंग, मुझे लगता है। और मुझे रोज ये ताने सुनने मिलते थे, ये तो मतलब मेरे मियाँ जो है रात भर जागता था तो मैं कैसे सो जाऊँ, अब मैं सुबह फिर नहीं उठ सकती थी, तो मुझे मैंने बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक ये ताने खाए हैं देर से उठने वाले। मुझे मुझे निदा, मुझे पर्सनली लगता है कि हर इंसान को ना सबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वैसे भी जर्नल लाइफ में भी होनी चाहिए, सिर्फ मैरिड लाइफ में नहीं, आपके ससुराल में नहीं, जर्नल लाइफ में भी बेटा सबर होना चाहिए। बहू बनेंगी आप, आ जाएगी आप, आज के प्रोग्राम के बाद बहुत रिश्ते आएंगे, या तुम्हें आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद मुनव्वर सिद्दीकी, और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल।